राजकुंद्रा मामले में आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज 27 जुलाई है और आज दो अदालतों में राजकुंद्रा मामले की सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी राजकुंद्रा की उस जमानत याचिका पर जो उनके वकीलों ने दायर की है और उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है, और दूसरी तरफ किला कोर्ट में पेश किया जाएगा राजकुंद्रा को ताकि उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई जा सके और पुलिस ये बताएगी कि उन्हें अब तक उनके साथ हुई जांच में क्या क्या मिला है। कई और बातें भी सामने आ रही हैं, जैसे राजकुंद्रा को फरवरी में ही भनक लग गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने फरवरी में दो बड़े कदम उठाए थे जिनके बारे में खुलासा भी हुआ। पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि उन्होंने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया। आप सभी जानते हैं कि फोन नंबर चेंज करने का कोई कारण नहीं होता, खासकर आज के समय में जबकि हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना फोन नंबर चेंज करता है इसका मतलब यह है कि वो कुछ खास लोगों को अवॉइड करना चाह रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात सामने आई है कि उन्होंने अपने स्टाफ को ये निर्देश दिए थे कि जो सर्वर है उससे पॉर्न कंटेंट को डिलीट कर दिया जाए। ये तमाम बातें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। कल ये भी खबर आई कि इस मामले में गहना वशिष्ठ को समन भेजा गया है, शैलेन चोपड़ा को समन भेजे जाने की बात भी सामने आई, और एक और मामला निकल कर आया कि कुछ लोगों ने शमिता शेट्टी को भी ट्रोल कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि शमिता ने एक ब्रांड को एंडोर्स करते हुए एक पोस्ट डाला अपने सोशल मीडिया पर और लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठाए कि एक तरफ आपके जो बहन हैं शिल्पा शेट्टी, आपकी जो जीजा हैं राजकुंद्रा, उन पर इतना बड़ा संकट है और आप ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। ऐसी तमाम बातें कल चलती रहीं। बहरहाल आज होगा बहुत बड़ा फैसला, देखते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट क्या जमानत देता है राजकुंद्रा को। दूसरी तरफ नजर रहेगी किला कोर्ट में भी, जहां पर पुलिस अब आगे की रिमांड अवधि कैसी हो क्या हो उसको लेकर अदालत में पेश होगी। तो बहुत अच्छे से नजरें मेरी बनी हुई हैं, जो भी इस मामले में बड़ा अपडेट होगा मैं आपको बताने तुरंत हाजिर होऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे इस कॉन्टेंट को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं।